हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये डिज़ाइन 16 रोज का डिज़ाइन है। आपको 1 से 16 रोज तक रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 10+1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 10+1+2। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुनना है। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 10 2 × 10+1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच करके टोटल 23 फंदा डाला है। फर्स्ट में आपको 4 रो तक बेस रो बुनना है, फिर आपको एक्चुअल रो स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको राइट साइड सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट बेस रो सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड बेस रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड बेस रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड बेस रो आपको ये सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड बेस रो सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ बेस रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है रॉन्ग साइड। फोर बेस रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आपको एक्चुअल रो स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे करना है। अब आगे से एक बार एम ओवर करना है इसे। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब 1 2 3 इस 3 फंदों को 1 फंदा बनाने के उल्टे से 1 2 3 3 फंदों को 1 फंदा बनाने के उल्टे से अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब धागा पीछे करना है। अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, फिर आगे से एन ओवर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 3 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर पीछे से एन ओवर करना है लास्ट में। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर आगे से एन ओवर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब 3 फंदों को 1 फंदा बनाने उल्टे से, 1 2 3, 3 फंदों को 1 फंदा बनाने उल्टे से ऐसे। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, लास्ट में एक बार पीछे से एन ओवर करना है। यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा एज स्टिच,
इसको सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड रो। सेकेंड रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो। थर्ड रो ये राइट साइड फर्स्ट में आपको एक फंदा स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो। अब एनओवर करना है आगे से, इसे एनओवर करना है आगे से। अब दो फंदा उल्टा, एक दो। अब दो तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक दो तीन। अब फिर से दो फंदा उल्टा बुनना है, एक दो। अब धागा पीछे करना है, फिर एक फंदा पीछे से एनओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदों को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार एनओवर करना है आगे से, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर एक बार पीछे से एनओवर करना है, लास्ट में एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे करना है, फिर आगे से एन ओवर, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। अब तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। अब दो फंदा उल्टा, एक दो। अब धागा पीछे करना है, अब पीछे से एक बार एन ओवर, फिर एक फंदा सीधा लास्ट में। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में दो फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा एज स्टिच, इसको भी सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, अब फोर्थ रो। फोर्थ रो ये रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में आपको एक फंदा राइट साइड है, एक फंदा स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब धागा आगे करना है, अब एक बार आगे से हैंड ओवर करना है, फिर एक फंदा उल्टा। अब एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, इसे एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करना है, अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है, अब दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक बार आगे से एनओवर करना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पीछे से एक बार एनओवर, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे करना है, फिर आगे से एक बार एन ओवर, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करना है, अब तीन पीछे से एक बार एन ओवर करना है, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो।
यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में दो फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, फिर एक एज स्टिच, एक फंदा को भी सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो। सिक्स रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब सेवन रो। सेवन रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब धागा आगे करना है, अब एक बार एन वर्क करना है आगे से। अब तीन फंदा को एक फंदा बनाना उल्टे से, एक दो तीन, तीन फंदा को एक फंदा बनाना है। अब धागा पीछे करना है, अब पीछे से एक बार एन ओवर। अब तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, सॉरी चार फंदा सीधा, चार, फिर आगे से एन ओवर, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर पीछे से एन ओवर करना है, फिर लास्ट में तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे करना है, फिर आगे सॉरी चार फंदा सीधा, एक चार, फिर धागा आगे करना है, फिर आगे से एन ओवर, तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर धागा पीछे, अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में दो फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा एज स्टिच, इसको भी सीधा। सेवन रो कंप्लीट कर लिया है, अब एट रो। एट रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब नाइन्थ रो। नाइन रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे। अब इस दो फंदों को एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, ऐसे एक फंदा बनाना है। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे करना है, अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है। अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करना है, अब आगे से एन ओवर, अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब यहाँ पर इस तीन फंदों को एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना उल्टे से, दो तीन, एक फंदा बनाना है। इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर पीछे से एक बार एन ओवर, फिर एक फंदा सीधा, फिर पीछे आगे से एन ओवर, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर लास्ट में तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। फिर से रिपीट करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, फिर एक बार पीछे से एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर आगे से एक बार एन ओवर, अब तीन फंदा उल्टा।
एक दो तीन। लास्ट में आपको तीन फंदा के जगह दो फंदा बचेगा, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है। इससे धागा पीछे, लास्ट में एक एज स्टिच, इसको सीधा बुनना है। 9th रो कंप्लीट कर लिया है। अब 10th रो, 10th रो ए रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टेंथ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 11th रो, 11th रो ए राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे। अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा उल्टा, एक दो। अब धागा पीछे करना है, अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब धागा आगे करना है, अब आगे से एन ओवर करना है। अब दो फंदा उल्टा, एक दो। अब यहाँ पर एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना उल्टे से, एक दो तीन। ऐसे तीन फंदों को एक फंदा बनाना है। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर पीछे से एक बार एन ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर आगे से एन ओवर, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, लास्ट में तीन फंदों को एक फंदा बनाना है। लास्ट में आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 फंदा बचेगा। इस 10 फंदों को दो फंदा उल्टा बुनना है, सॉरी दो फंदा उल्टा, एक दो। अब धागा पीछे, फिर तीन एन ओवर करना है। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे। अब आगे से एन ओवर, दो फंदा उल्टा, एक दो। अब इस एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। फिर लास्ट में एक फंदा एज स्टिच, इसको एक फंदा को सीधा बुनना है। 11th रो कंप्लीट कर लिया है। अब 12th रो, 12th रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ट्वेल्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 13th रो, 13th रो ए राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे। अब इस एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से ऐसे। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे करना है, अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है। अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। अब धागा आगे करना है। अब आगे से एन ओवर एक बार, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक दो तीन। से तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। आपको ये रिपीट करना है। इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, फिर पीछे से एक बार एन ओवर, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर आगे से एन ओवर, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। लास्ट में आपको ये 10 फंदा बचेगा। इस 10 फंदों को एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, पीछे से एक बार एन ओवर, पांच फंदा सीधा,
एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे करना है। अब आगे से एन वर एक फंदा उल्टा। अब इस दो फंदों को एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, लास्ट में एक फंदा एज इट इज इसको सीधा बुनना है। 13 रो कंप्लीट कर लिया है। अब 14 रो, 14 रो ए रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्टीन रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 15 रो, 15 रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे। अब एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक दो, दो फंदों को एक फंदा बनाना है। अब धागा पीछे करना है। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। पीछे से एक बार एन ओवर, फिर 7 फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब धागा आगे करना है। अब आगे से एन ओवर करना है। अब एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, इसे यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है। आपको रिपीट करना है इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट में आपको एन ओवर करना है पीछे से, फिर 7 फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर आगे से एन ओवर करना है, फिर 3 फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको 10 फंदा बचेगा, इस 10 फंदों को धागा पीछे करना है, एन ओवर करना है, 7 फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब धागा आगे करना है, फिर आगे से एन ओवर, फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर धागा पीछे, लास्ट में एक फंदा एज स्टिच इसको सीधा बुनना है। 5th रो कंप्लीट कर लिया है। अब 16 रो, सॉरी 15 रो कंप्लीट कर लिया है। अब 16 रो लास्ट रो आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्सटीन रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए 16 रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा। आपको 1 से 16 रो तक रिपीट करना है। फिर से आपको यहाँ से रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।